पाकिस्तान पर भारत की जीत के आज 51 साल पूरे। देश बना रहा है 1971 की जीत का विजय दिवस। पाकिस्तान को हर मोर्च पर दी गई थी शिकस्त। 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने किया था भारत के आगे सरेंडर। विजय दिवस के मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में भारत की 24 घंटे में दूसरी फटकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा नहीं होने देंगे एक और 26/11। आतंकवाद को टूल की तरह इस्तेमाल करने पर चीन पर भी साधा निशाना। नौसेना का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आज होगा लॉन्च। गार्डन रिट शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के नाम जुड़ जाएगी एक और उपलब्धि। 77.6 मीटर लंबा 10.5 मीटर चौड़ा पोत दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम। भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास का आज। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दूसरा दिन LSC पर चीन से तनाव के बीच में इंडियन एयरफोर्स नेपाल के साथ करेगी सैन्य युद्धाभ्यास। अग्नि 5 का कामयाब टेस्ट। 5,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है मिसाइल। मौका आने पर चीन पाकिस्तान से लेकर आधी दुनिया तक मार कर सकता है भारत। भारत जोड़ो यात्रा के आज 100 दिन पूरे। राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। आज कोलकाता दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। भारत चीन तनाव पर बोले सीएम खांडू 1962 वाला नहीं पीएम मोदी का दौर है। फिल्म पठान पर विवाद के बीच में शाहरुख खान का बयान। कहा हम हर हाल में रहेंगे पॉजिटिव। साधु संतों ने जताई नाराजगी। बोले फिल्म जिस थिएटर में लगे उसे फूंक दो। बिहार में जहरीली शराब मामले में नया मोड़। मशरक थाने में जब्त स्प्रिट के चोरी होने की आशंका। शक के घेरे में कई पुलिस वाले। अब तक 42 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार विधानसभा का आज चौथा दिन। आज भी सदन में हंगामे के आसार। छपरा शराब कांड पर सरकार पर हमलावर विपक्ष। छपरा में जहरीली शराब से अब तक 50 से ज्यादा मौत। विधानसभा से लेकर संसद तक हंगामा। बीजेपी ने मांगा मुख्यमंत्री नीतीश का इस्तीफा। छपरा शराब कांड को लेकर अब तक 186 लोग गिरफ्तार। मढौरा DSP के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और ट्रांसफर की अनुशंसा। मशरक थानाध्यक्ष और चौकीदार सस्पेंड। जांच के लिए SIT गठित। दिल्ली शराब घोटाले में नामजद 7 आरोपियों को अदालत का समन। दिल्ली के रावतबिंदी कोर्ट ने 3 जनवरी को पेश होने को कहा। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस को मिला बड़ा सबूत। जंगल में मिली हड्डियों से पिता का DNA सैंपल मैच। श्रद्धा के परिवार ने की इंसाफ की मांग। विधायक पूजा पाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। बोली दूसरी अदालत में होने की वजह से नहीं पहुंच पाई कोर्ट। अतीक अहमद के खिलाफ दूंगी गवाही। जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में मरने वालों की संख्या पहुंची 31। 8 दिसंबर को जोधपुर के शेरगढ़ में एक साथ कई गैस सिलेंडर्स में लगी थी आग। लव जिहाद को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा लव जिहाद को रोकने को लेकर सरकार नियम बनाने पर विचार कर रही है। शादी कराने वाली संस्थाओं को लड़का लड़की का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। आज शिवपुरी दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जनसेवा अभियान के कार्यक्रम में होंगे शामिल। विकास कार्यों की भी देंगे सौगात। रायपुर में युवा कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन। सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। BTI ग्राउंड में सरस मेले का भी शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी। आज लोक सेवा आयोग की ओर से अधीनस्थ 431 अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर की आरती। 2 दिन के चित्रकूट दौरे पर है राज्यपाल। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को INS विक्रांत वसूली मामले में बड़ी राहत। सबूत नहीं मिलने की वजह से बंद किया गया मामला। किरीट सोमैया पर लगाया गया था 57 करोड़ की वसूली का आरोप। आदिवासी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगी है याचिका। 58% आरक्षण रद्द करने के आदेश को दी गई है चुनौती। मध्य प्रदेश में आज भी प्रभावित रहेगी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। प्रदेश भर के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन। नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन।
जैनवे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने किया अनोखा प्रदर्शन, सरकार को सद्बुद्धि देने को लेकर किया हवक, 14 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। शिवनी में शादी में डांस करते हुए महिला की मौत, हार्ट अटैक आने से हुई महिला की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सागर में शेयर मार्केट का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने 163 बैंक खाते सीज किए। मलेशिया के कुआलालंपुर में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा, मलबे में करीब 50 लोग दबे, हादसे में अब तक 23 लोगों को बचाया गया, 2 लोगों की मौत। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।